नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज, देख लेते हैं आज के प्रश्नों को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ब्लैक कार्बन उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको तीन कथन दिए गए हैं, देख लेते सारे कथनों को। यहाँ पर कथन एक है कि ब्लैक कार्बन एक प्रकार का कण पदार्थ है जो जीवाश्म ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होता है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करते हैं ब्लैक कार्बन कैसे बनता है, तो जब भी जीवाश्म ईंधन अधूरा जलता है तो यहाँ पर उसके कारण जो बाई प्रोडक्ट है उसमें एक प्रोडक्ट क्या होता है, ब्लैक कार्बन। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से क्या है, आपका सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके और सतह के एल्बिडो को कम करके ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिल्कुल सही कथन है। अगर हम बात करें ब्लैक कार्बन के दुष्प्रभावों की, तो आप सभी को पता होगा कि जो ब्लैक कार्बन है वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और आसपास जो है अपने आसपास जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको बढ़ा देता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो दूसरा कथन है वो भी क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है कि ब्लैक कार्बन एक लंबे समय तक रहने वाला जलवायु प्रदूषक है जो सौर विकिरण को अवशोषित करता है और वार्मिंग योगदान देता है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो ब्लैक कार्बन है वो जो है 14 से 12 दिनों तक उसका क्या होता है, जीवन काल होता है। और इसलिए कहा जाता है कि जो ब्लैक कार्बन है वह अल्पकालिक होता है। तो यहाँ पर देखिए बाद के जो बात है वो तो सही है, लेकिन जो शुरुआत में ये कहा गया है कि ब्लैक कार्बन एक लंबे समय तक रहने वाला जलवायु प्रदूषक है, ये यहाँ पर क्या है, गलत है। ये लंबे समय तक नहीं बल्कि शॉर्ट टाइम पीरियड तक जो है वायुमंडल में उत्पन्न रहता है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि जो तीसरा कथन है वो गलत है, और इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पहला और दूसरा कथन क्या है, सही है। तो इसके बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। और यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आया है, द नीड टू कर्ब ब्लैक कार्बन इमिशन। तो थोड़ा सा इसको आप लोग क्या करेंगे, जरूर देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कावेरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं तीनों कथनों को। पहला कथन क्या है, कावेरी नदी बेसिन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को कवर करता है। तो अगर हम कावेरी नदी बेसिन की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं ये है कावेरी नदी बेसिन, और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर आप देखोगे कि कर्नाटका जो कि यहां पर है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आप इसको देख सकते हैं छायादार जो तमिलनाडु है, उसके अलावा केरला के कुछ भाग इसमें आ जाते हैं, और इसके अलावा जो है एक यूनियन टेरिटरी जिसको हम बोलते हैं पुडुचेरी, वहां पर वो भी जो है इसके नदी बेसिन में आता है। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो पहला कथन है वो क्या है, आपका गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, कावेरी जल विवाद में मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। तो अगर हम कावेरी जल विवाद की बात करें तो जो कावेरी जल विवाद है उसमें आप देखोगे कि सारे स्टेट, चाहे वो कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, पुडुचेरी हो, इन सभी के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर के विवाद रहा है। तो ये कहना कि सिर्फ केरल और तमिलनाडु के बीच में ही विवाद है, ये भी गलत है, यानी कि दूसरा कथन भी यहाँ पर गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण तटवर्ती राज्यों के बीच कावेरी जल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित है। ये कथन यहाँ पर सही है। तो कावेरी जल बंटवारे के सोल्यूशन के रूप में जो भी यहाँ पर बातें कही गई उसको ध्यान में रखते हुए कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण का क्या किया गया, निर्माण किया गया, जो इन राज्यों के बीच में जो भी फैसला हुआ है उसको लागू करवाता है। अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो उसको सॉल्व करने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक कथन सही है, और इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सिर्फ एक कथन ही क्या है, सही है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफी पुराना विवाद है, काफी सारा इससे जो है न्यूज हमेशा आते रहता है। तो ऐसा ही एक न्यूज आया जिस पर, जिसको आधार बना करके जो है ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था, कावेरी इज नॉट जस्ट अबाउट वाटर। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय सीबेट अथॉरिटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और यहां पर आपको दिए गए हैं दो तीन कथन और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं, कथन एक क्या है, आईएसए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीबेट अथॉरिटी एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि अनक्लॉज के तहत स्थापित किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीबेट अथॉरिटी की तो आपको ध्यान में रखना है कि यह एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना जो है 1982 के जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जिसको हम बोलते हैं अनक्लॉज उसके तहत इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। मुख्यालय कहां पर है, किंगस्टन जमैका। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो पहला कथन है तो पूरी तरीके से क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, आईएसए राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र में खनिज संसाधनों के विनियम और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, यही इसका क्या है मुख्य उद्देश्य भी है। यहां पर आप देखोगे कि दूसरा कथन भी क्या है, सही है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि कॉन्टिजियस जोन किसको कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसको कहते हैं और हाई सी किसे कहते हैं। तो हाई सी में जो भी अगर आपको खनिज पदार्थों की समुद्र तल के नीचे क्या करनी है, खोज करनी है, तो उसको लेकर के जो भी आज्ञा देनी है या फिर वो कैसे होगा, इन सभी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दूसरा कथन भी यहाँ पर क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है, भारत अंतर्राष्ट्रीय सीबेट प्राधिकरण का सदस्य नहीं है। तो ये तो गलत बात है, यहाँ पर जो है ये कथन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो कथन सही है, पहला दूसरा, और इसलिए आंसर क्या होगा आपका, ए पहला और दूसरा कथन क्या है, सही है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो न्यूज आया है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंसिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना इंडिया ज्वाइंट अ रेस टू माइन सी पैच। और यहाँ पर जो है भारत ने जो है इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी से क्या किया है, उसका एक अर्जी दी है कि वो जो है कुछ क्षेत्रों में क्या करना चाहता है, यहाँ पर खनिजों की खोज करना चाहता है, खास करके जो कोबाल्ट है उसकी। तो ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर इस न्यूज़ को आप लोग क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करके पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, भारत में नगर पालिका चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तीन कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है कि भारत में नगर पालिका चुनाव भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं, तो ये सरासर गलत है। आप सभी जानते हैं कि जो नगर पालिका का चुनाव है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। तो पहला कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है कि नगर पालिका चुनाव में महिलाओं और ओबीसी है ना, महिलाओं और ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण भारत के संविधान द्वारा अनिवार्य है। आपको ध्यान में रखना है कि महिलाओं के आरक्षण की तो बात जरूर कही जाती है, आप सभी जानते हैं जो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा जो है रूरल और अर्बन एरिया में जो है लोकल सेल्फ गवर्नेंस की हमने शुरुआत की। और आप देखोगे कि उसमें कहा गया था, इस पूरे के पूरे अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा गया कि 1/3 सीटें जो है वो क्या होंगी, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो यहाँ पर महिलाओं के तो आरक्षण की बात कही गई, लेकिन आप देखोगे कि जो ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण है उसे जो है आपको ध्यान में रखना है कि ओबीसी के लिए जो सीटों का आरक्षण है उसे जो है राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 243D यानी कि हम नगर पंचायतों की ग्राम पंचायतों की बात कर रहे हैं और ग्राम पंचायतों से आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें नगर पंचायतों में भी हैं। तो यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको कितना आरक्षण देना है ये राज्य क्या करेंगे, अपने अपने स्टेट में तय करेंगे, यानी कि विधानमंडल जो है क्या करती है, तय करती है। तो संविधान के अनुसार जो है जो अमेंडमेंट किया गया उसमें तो सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई थी, ओबीसी जो है आरक्षण जो है वो कौन तय करते हैं, राज्य के विधानमंडल। तो यहाँ पर ये कहना, यहाँ पर दूसरा कथन भी इस कारण से क्या हो जा रहा है, गलत। आइए देख लेते हैं तीसरा कथन क्या है। तीसरा कथन क्या है कि भारत में नगर पालिकाओं को विभिन्न कर और शुल्क लगाने और एकत्र करने का अधिकार है। तो अगर आप देखोगे अनुच्छेद 243D को तो उसे साफ साफ कहा गया कि जो म्यूनिसिपैलिटी हैं वो क्या कर सकते हैं, लेवी और कुछ टैक्स जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, वाटर टैक्स है, अदर फीस जो है वो क्या कर सकते हैं, इस तरह के अदर जो टैक्स है वो क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि तीसरा कथन तो सही है,
बाकी दोनों कथन क्या है गलत है, और इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन क्या है यहां पर सही है। तो इस न्यूज को भी आप देखिएगा कि इट इज अ टाइम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स टू म्यूनिसिपल इलेक्शन, तो थोड़ा सा इसको आप लोग क्या करेंगे जरूर एक बार पढ़ेंगे। आइए अब एक प्रीवियस क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है कि भारत का, अच्छा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है कि भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्य निकाय है, बिल्कुल गलत है। आपको याद होगा कि आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद जब कुछ लागू हुआ, तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन था वो सिंगल मेंबर बॉडी था। आगे चल करके 90s के दौर में आप देखोगे कि ये क्या बन गया, मल्टी मेंबर बॉडी। लेकिन अभी भी आप देखोगे अनुच्छेद 324 को, तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं, नंबर की यहां पर बात नहीं की गई है। तो पहला कथन तो गलत है, आप सभी जानते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, तो सरासर गलत है, आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग का ये काम है। तीसरा कथन क्या है कि चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है, ये कथन यहाँ पर क्या है बिल्कुल सही है। तो अगर जो मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें विभाजन और विलय को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर चुनाव आयोग क्या करेगा, इन दलों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं विभाजन को लेकर के, विलय को लेकर के, उसको सॉल्व करने का काम करता है। गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए जो है कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। तो यहां पर देखेंगे कि तीसरा कथन सही है सिर्फ, और इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अब आज का जो तथ्य है उस पर चर्चा कर लेते हैं, और आज का तथ्य है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च को, मैंने जो है इसको द हिंदू में भी आपको पढ़ाया था, कि एक 7 मेंबर कमेटी का उन्होंने गठन किया है जो कि ये देखेगा कि किस तरीके से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की रक्षा भी की जाए, और जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है उसको भी कोई कठिनाई ना हो, दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने को लेकर के यहाँ पर कार्य किया जाए। तो अगर हम बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर के, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये राजस्थान की क्या है, राज पक्षी है, और भारत में जो है इसको लुप्त प्राय पक्षी के रूप में संज्ञा दी गई है। तो इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रमुख रूप से यह राजस्थान और गुजरात में क्या है पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगहों पर जो है इसके पॉपुलेशन देखा गया है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम इसके सुरक्षा की स्थिति की बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की जो रेड लिस्ट है उसमें जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में इसको क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। अगर हम साइट्स की बात करें तो उसके परिशिष्ट 1 में इसको रखा गया है, यानी कि उसका अवैध व्यापार को रोकने की बात कही गई है। और वन जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें 1972, तो वहां पर जो है इसे अनुसूची वन में रखा गया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर ये न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग फॉलो करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। अगर आपको आज का डेली क्विज अच्छा लगे तो आप जरूर इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे। जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं और जिस टॉपिक पर, जिस न्यूज पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, उसको एक बार आप लोग थोड़ा समय देकर के जरूर क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। आपके प्री एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।